आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा जो बहुत ही डिफरेंट और आसान है और झटपट बन जाता है। सबसे पहले हम आज ब्रेड पकोड़ा का बैटर बनाएंगे। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम एक कप बेसन डाल देंगे। बेसन को मैंने छान लिया है। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1 कप पानी लेंगे और इसका बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे। थोड़ा पानी और शामिल करेंगे। इसको आपने ज्यादा पतला नहीं रखना, इतना ठीक रखना है कि पकौड़े पर आराम से चढ़ सके। थोड़ा और डालेंगे। वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसको आपने गाढ़ा सा बनाना है ताकि पकौड़े पर आराम से चढ़ सके। इसको आपने पतला नहीं करना। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए। पकौड़ा के लिए मिक्सचर रेडी करेंगे। एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है जिसे फाइन चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून बंद गोभी ली है, आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। 2 ग्रीन चिलीज ली हैं जिसे मैंने बारीक भी काट लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे फाइन चॉप कर लिया है। अब हम इसे बाउल में डाल देंगे। प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, बंद गोभी डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। 1/5 टीस्पून नमक डाल देंगे। इसको हम मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें नमक डाला जाता है तो प्याज पानी छोड़ना शुरू कर देता है। जल्दी से हम इसकी ब्रेड में टॉपिंग करेंगे। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। 2 टेबलस्पून केचप लिया है, 2 टेबलस्पून मायनीज ली है। ये हमने टॉपिंग करेंगे इसकी। ये हम इसकी कोटिंग करेंगे, कोटिंग का बैटर। 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। पहले हम 2 रेडी कर लेते हैं जल्दी से। इसकी एक साइड पे हम केचप लगाएंगे, दूसरे ब्रेड के स्लाइस पे हम मायनीज लगा लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप दोनों स्लाइस पे मायनीज लगा सकते हैं। आप हरी चटनी भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें मिक्सचर रखेंगे। इसको इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसे बैटर में डिप करेंगे। इसे ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम स्लो कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर से भी डूब जाए। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखें जी कितने मजे का ब्रेड पकौड़ा रेडी है। इसी तरह हम दूसरा रेडी कर लेंगे। इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे।
ताकि ऊपर से भी पक जाए। बहुत ही क्रिस्पी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ब्रेड पकौड़ा के साथ हम हरी चटनी भी ले सकते हैं और टमाटो केचप भी ले सकते हैं। इसके साथ ये बहुत ही मजे का लगता है।